हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज बात करते हैं नो नेम खजूर। ये देखिए, ये हम लोग का पूरा ब्लॉक है खुदरी का, लेकिन ये पहला फल है इसलिए पता नहीं चला। ये देखिए, ये खुदरी नहीं है क्योंकि ये हम लोग का पूरा 1000 का ब्लॉक है, तो इसमें ये पहला फल निकला हुआ है इसलिए पता नहीं चला ये खुदरी है कि नहीं है। और पहले पता चला होता तो इसको हम लोग फेंक देते निकल कर, लेकिन ये पता नहीं, अब ये पकने के बाद पता चलेगा ये कौन सी खजूर है। लेकिन हम लोग इसको नहीं रखेंगे, हम लोग निकाल देते हैं, क्योंकि जिधर खुदरी है उधर सिर्फ खुदरी खुदरी ही रहेगा, बाकी ये अलग खजूर नहीं रहेगा। ये पता नहीं कौन सी खजूर है, लेकिन पकने के बाद पता चलेगा, क्योंकि हम लोग का ये ब्लॉक में सब खुदरी ही है, खुदरी का ब्लॉक है, इसीलिए हम लोग इसको नहीं रखेंगे। खुदरी का कलर कैसा होता है ये देखिए, यह है खुदरी, आप लोग देख सकते हैं रेड कलर का। तो अगर आप लोग भी पहले बार लगा है या पहला फल है तो आप लोग पता कर सकते हो खुदरी कैसा होता है, उसका कलर कैसा होता है। रेड कलर का होता है, पकने के बाद थोड़ा डार्क रेड होता है। ये देखिए, यह है खुदरी, आप लोग देख सकते हो इसका कलर ऐसा होता है, पूरा रेड होगा। रेड होने के बाद, पकने के बाद फिर थोड़ा डार्क रेड होगा। ये देखिए, ये खुदरी। अगर आप लोग भी ब्लॉक बाय ब्लॉक लगाए होंगे तो आप लोग अगर ऐसा कलर का, अगर दूसरा कलर का खजूर निकलता है तो वो खुदरी नहीं है, जैसे अभी मैं देखा है आप लोग को, ये खुदरी है। देखिए, ये रेड कलर होता है, पूरा ये रेड होगा। ये देखिए, ये सब हम लोग का खुदरी है, ये पूरा ब्लॉक खुदरी है, लेकिन ये पता नहीं ये कौन सी खजूर है, ये पकने के बाद ही पता चलेगा। अब अगर आप लोग का पहला फल है ऐसा कलर का निकलता है तो समझ लो खुदरी का ब्लॉक में, तो वो समझ लो कि वो खुदरी नहीं है, ये पकने के बाद पता चलेगा। लेकिन ये मेरे को लगता है ये नो नेम ही है, इसका कोई नाम नहीं होगा, ये अच्छा खजूर तो नहीं है लग रहा है मेरे को। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।